नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरी जन्नत नर्सरी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कैलेंडुला प्लांट को सीड से ग्रो। तो चलिए, सबसे पहला काम है एक अच्छी क्वालिटी का कैलेंडुला प्लांट का सीड लेना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हाइब्रिड सीड है कैलेंडुला प्लांट का। ये आपको आपके लोकल नर्सरी से या फिर आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर भी इसे ख़रीद सकते हैं, या चाहे आप अपनी नज़दीकी लोकल नर्सरी में जाकर भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज इसको हम काट के निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी मिट्टी को तैयार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिट्टी है और मैं इसको भर लेता हूँ पहले इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मिट्टी भर ली है और अब मैं इसमें डालने वाला हूँ इस तरह से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। मैं इसमें अभी सिर्फ 2 मुट्ठी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गोबर की खाद मिलाई हुई है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डालना चाहता हूँ, और साथ ही मैं इसमें डालूँगा ऐसे, क्योंकि ये मिट्टी कम है इसीलिए मैं 1 मुट्ठी नीम खली का पाउडर भी इसमें डालूँगा, जिससे कि इसमें अगर कोई किसी तरह की फंगस या प्रॉब्लम ना हो, सीडलिंग अच्छे से जर्मिनेट हो सके। अगर आपके पास नीम खली पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी एक काफ़ी अच्छा एंटी फंगल का काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मैं इसको पूरा नीचे तक मिक्स नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें नीचे मैंने बताया कि गोबर की खाद काफ़ी अच्छी मात्रा में डाली हुई थी। तो बस ये मैंने ऊपर से इसमें दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब बारी है इसमें सीड्स को डालने की। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कैलेंडुला के सीड्स, और अब मैं इसको डालने वाला हूँ इस मिट्टी में। आप ऐसे डायरेक्टली स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये देखिए। बस ध्यान रखिएगा सीड ज़्यादा पास पास ना गिरे। इस तरह से आप अच्छे से इसमें सारे, आप चाहे तो सारे एक ही में डाल दें, या अगर आपके पास और भी पॉट्स हो तो आप उनमें भी ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल अभी यही अवेलेबल है, तो मैं भी इसमें ऐसे स्प्रिंकल करने वाला हूँ। और उसके बाद आप इसमें ऊपर से हल्की सी मिट्टी ऐसे छिड़क दें, और आप चाहें तो मिट्टी की जगह कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोकोपीट अवेलेबल नहीं था तो मैंने मिट्टी का इस्तेमाल किया है। लेकिन मिट्टी भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी हमेशा वो इस्तेमाल करें जो पूरी तरह से वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा ना रहे, वरना आपके सीड जर्मिनेट होने से पहले ही गल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अच्छी तरह से आपने इसको कवर कर लेना है पूरी तरह से मिट्टी से। ये देखिए, अब ये हो चुका है पूरी तरह से कवर। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डालने वाला हूँ इस तरह से पानी। मैं इसको ऐसे हाथों से डालने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऊपर से डालूँगा तो सीड्स आपस में ऐसे डिस्टर्ब होंगे। तो मैं इसमें इस तरह से पानी डाल रहा हूँ। ये देखिए, आप भी इस तरह से इसको एक बार अच्छे से पूरा वाटर दे दें, और उसके बाद इसे एक अच्छी शेडेड एरिया में 6 से 7 दिन के लिए छोड़ दें। वैसे तो कैलेंडुला के सीड्स 5-6 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन आप इनको ज़्यादा टाइम, कभी कभी इनको ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो आप इन्हें 6 से 7 दिन के लिए शेडेड एरिया में ऐसे छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की अपडेट मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में। तो आप बने रहिए तब तक हमारे चैनल पर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही और जानकारी हमारे चैनल से लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार ज़रूर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।